आज हाजी हजरत हज के लिए जा रहे हैं, पहला काफिला है और हमारा तेलंगाना स्टेट बनने के बाद पहली मर्तबा हाजी हज के लिए जा रहे हैं हाजी हजरत। उसके लिए हम तमाम हमारे शकील भाई, हमारे एमएलए साहब बोधन, हमारे सलीम साहब और हमारे तमाम टीआरएस के कायदीन भी ख़ासतौर से उन्हें छोड़ने आए, और यहाँ के जो अहदेदार हैं हमारे हज कमेटी का जो भी इंतज़ाम देख रहे हैं, शुक्र साहब स्पेशल ऑफिसर, वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर अकबर साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ हबीब हमीद साहब और बहुत से यहाँ के अहदेदार हज कमेटी के बहुत से वॉलंटियर्स बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, उन्हें मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। हर साल के बनिस्बत इस साल सीएम साहब भी चूँकि हमारी नई स्टेट में हाजी हजरात जा रहे थे, उन्हें अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की बार बार हिदायत दे रहे हैं, और हमारा मकसद भी है कि हाजियों को पूरी से पूरी सहूलत हो। वाकई हज कमेटी में यहाँ पर बिल्डिंग में थोड़ा सा जिस तरह तामीर होना चाहिए हाजियों के लिए, मगर उसके बावजूद भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। इंशाल्लाह आइंदा साल हम और अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, और बाजार हाजियों से भी मेरी एक अदबी गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। आप अल्लाह के मेहमान हैं, पहली बात तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए, आपको खैर खैरियत से अपने अफराद खानदान से मुलाकात करवाए, साथ में हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए दुआ कीजिए। ये स्टेट अभी नहीं बनी है, बहुत से अभी तो मुश्किल से निकल रही है, और अल्लाह का करम यह है कि हमारे जो महात्मा लीडर के सी साहब बड़े सेकुलर लीडर हैं और सबके लिए डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ख़ासतौर से तवज्जो दे रहे हैं और माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, और इस मरतबा जो ऐलान किए गए कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एग्जीक्यूटिव पावर, मुस्लिम भाइयों के लिए 1000 करोड़ का बजट और हज़ारों की तादाद में हम शादी भी करना चाहते हैं 5 साल में, मैं समझता हूँ बेहिसाब ऐसा पहला मौका होगा जो 51,000 से। हाजी भाइयों से यही दुआ है कि हमारे जो भी स्कीमत है हुकूमत की वो रूब अमल लाने में अल्लाह ताला की मदद चाहिए। आप गिगड़ा कर दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि तमाम कौमों के साथ मुस्लिम कौम भी तरक्की करें। जी हाँ डेफिनेट, और रात में 1 करोड़ के बारे में बोल दिया हमें, आ जाते हो हमारे पास पैसों के बारे में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी हजरात काम कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल से 8-15 दिन में उनके बिल पास हो जाते हैं 4 दिन में, और आसानी से हम दो नहीं और भी इजाफा हुआ तो हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि पैसों की कोई वकालत करें, सीएम साहब खुद पर्सनल ये बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाजियों को सहूलत होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है कि हाजी भाई सीएम साहब आएंगे यहाँ पे गड्डी बता अच्छा भी दिखता आपका चेहरा, दवाई लेकर आए हैं, डॉक्टर साहबान बैठे हैं, आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन लेटर देंगे। बस नंबर 2 से पुलिस से पैसे मस्तमतु
जनाब डॉक्टर मेहरबानी करके मत उठाइए, तो हमेशा और जो आखिरी सफर में और हज के दौरान जिसने उबरे राह को गेता मेहरबानी करके समझने की कोशिश कीजिए। कोई इसी तरह वहां पर अपना दिल तो है मदीने में हो गया।